रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मियों के समय हर कोई अपने घर में कूलर और एसी चलाता है, लेकिन एसी और कूलर के चलते झगड़ते हुए बस भाई बहन को ही देखा होगा। लेकिन कावेरी देवी की चार बहुएं, जिनमें दो एसी वाली थी और दो कूलर वाली, आए दिन कूलर और एसी को लेकर लड़ती मरती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह चाय के इंतजार में बैठी कावेरी अपनी बड़ी बहू निशा को आवाज लगाकर कहती है, अरे निशा बहू, कहाँ रह गई? चाय देगी आज या नहीं? कावेरी की आवाज सुनकर उसके दूसरे नंबर की बहू आशा चाय का कप लिए आती है और उसे देकर कहती है, लो माँ जी आपकी चाय। और आप जिन्हें आवाज लगा रही हैं, वो मस्त अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही हैं। ये बड़ी बहू और छोटी बहू ने जब से कमरे में एसी क्या लगवा लिया, बस सोने के सिवा इन दोनों को कोई काम नहीं है। बिल तो मेरे बेटे भरते हैं ना इनके एसी का, जो हवा खाते भी नहीं है। आने दो, बताती हूँ इनको। इतने में कावेरी की सबसे छोटी बहू निधि अपने कमरे से अंगड़ाई लेती हुई बाहर आती है और कहती है, अरे माँ जी, क्यों सुबह सुबह खोलते हुए ज्वालामुखी की तरह उबल रही हो? अब एसी है तो नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो जल्दी आँख कहाँ खुलेगी। अब कूलर तो है नहीं कि बटन बंद करते ही तुरंत कमरा गर्म हो जाएगा, और एसी तो बंद होने के बाद भी एक दो घंटे कमरा ठंडा रहता है। ये कूलर का ताना किसको मार रही हो देवरानी जी? माना मेरे और नेहा के पास कूलर है, लेकिन हम उसी में खुश हैं, हमें एसी की चाह नहीं है। जो ले नहीं पाता वो ऐसे ही बोलता है जी। बस करो दोनों, सुबह सुबह घर को जंग का मैदान बना देती हो। जाओ अपने अपने काम करो, और निधि बहू अपने एसी में नींद पूरी कर ली हो तो जल्दी से नहा के नाश्ता बनाएगी तू आज। माँ जी मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जाओ और उन दोनों को भी होश में लाओ। कावेरी देवी के घर आए दिन दो कूलर वाली बहुएं और दो एसी वाली बहुओं में घमासान तानाबाजी होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन कावेरी की तीसरी बहू नेहा टीवी देख रही थी, तभी उसका पति कुणाल घर आता है और पसीने से लथपथ हुआ होता है। ये देखकर नेहा बोलती है, अरे आप आ गए? बाप रे, इतना पसीना, बहुत गर्मी है ना बाहर? सच में आपको इतनी गर्मी में पसीना पसीना देखकर मुझे गर्मी लगने लगी। एक काम करिए, जाकर नहा लीजिए। अरे अगर आते ही नहाऊंगा तो सर्द गर्म हो जाएगी, ऐसा करता हूँ जाकर कूलर के आगे बैठ जाता हूँ, पसीना सुखा कर ही नहाऊंगा। इतने में ही हॉल में नेहा की बड़ी जेठानी निशा आती है, जो अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी, इतनी गर्मी में आए हैं बाहर से, आपको कूलर की हवा ठंडक नहीं दे पाएगी। जाइए मेरे कमरे में आराम कर लीजिए कुछ देर, एसी चला हुआ है। अच्छा ठीक है भाभी, ये सही है, थोड़ा आराम मिलेगा। नेहा मैं आता हूँ, तुम जब तक मेरा नहाने का पानी तैयार कर देना, और जरा पानी की बाल्टी में एक आधी बर्फ डाल देना, ठंडा हो जाएगा पानी। इतना बोलकर कुणाल वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही निशा नेहा से कहती है, देखा, एसी ही आखिरकार इस सड़ी गर्मी में ठंडक देता है, ना कि कूलर। खैर, तुम्हें भी कभी एसी की ठंडक में आराम करने का मन हो तो मेरे कमरे में बेझिझक आ जाना। नहीं जेठानी जी, मुझे जरूरत नहीं है आपके एसी की ठंडक की, मैं कूलर की हवा में बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में कुणाल के नहाने का पानी ठंडा करने चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक शाम जब सभी खाना खाकर सोने जाते हैं, तो आशा फ्रिज से बर्फ के बाउल निकाल रही होती है। ये देखकर कावेरी बोलती है, अरे आशा बहू, ये क्या कर रही है? फ्रिज की सारी बर्फ कहाँ ले जा रही है? माँ जी, इसको मैं अपने कमरे के कूलर में डालूंगी, ठंडा ठंडा पानी डालने से ठंडी हवा आती है और बहुत सुकून की नींद आती है। हे भगवान, तुम तो कूलर को भी एसी बना लो, अरे इतनी ठंडक तो देता है। इतने में वहाँ निधि आती है, जो आशा को ताना देते हुए कहती है, अरे माँ जी, कूलर में बर्फ डालने से वो एसी नहीं बनेगा, और वैसे भी 6-7 हजार में एसी जैसे कूलर आने लगे तो 30-40 हजार के एसी कौन खरीदेगा? क्यों आशा जी? मेरे लिए कूलर ही बेस्ट है, मैं इतने बड़े ख्वाब नहीं देखती, अपने पति के जेब के हिसाब से चलती हूँ। इतना बोलकर आशा बर्फ के बाउल लेकर वहाँ से चली जाती है, और अपनी बहुओं को हमेशा कूलर एसी के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाते देखकर कावेरी मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये हमेशा ही एसी कूलर के लिए लड़ती रहती हैं। ना जाने कब इनको अक्ल आएगी कि निर्जीव चीजों से कीमती रिश्ते होते हैं। कावेरी भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, और गुजरते दिनों के साथ गर्मियाँ भी बढ़ती जाती है। एक दोपहर खाना लेकर कावेरी अपनी बहू निशा के कमरे में बैठी थी,
वहाँ निशा के अलावा निधि भी थी। तभी पूरे घर में अपनी सास को ना देखकर आशा और नेहा एक दूसरे से कहती हैं, ये माँ जी कहाँ गई, अपने कमरे में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। तभी उनको निशा के कमरे की तरफ से हंसने की आवाज आती है। दोनों निशा के कमरे में जाकर देखती है तो कावेरी आराम से वहाँ खाना खाते हुए दोनों एसी वाली बहुओं के साथ एसी की ठंडक में बैठी थी। और कावेरी अपनी दोनों बहुओं को वहाँ देख कर कहती है, अरे आशा और नेहा बहू आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। देखो बहुत अच्छी मूवी लगाई हुई है बड़ी बहू ने, बाहर बड़ी गर्मी थी इसलिए मैं भी यहीं आकर बैठ गई। माँ जी अगर आपको गर्मी लग रही थी तो आप हमारे कमरे में आ जाती, हम आपके लिए कूलर चला देते। अब एसी जैसी ठंडक कूलर तो देगा नहीं ना आशा, और वैसे भी जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है ना उसको देखकर लगता है कि तुम्हारा कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा होगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी यहीं बैठ जाओ। नहीं बड़ी जेठानी जी, कोई जरूरत नहीं है, गर्मी में मरना मंजूर है लेकिन यहाँ बैठना नहीं, कल को आप फिर से ताने मारोगी। चलो आशा दीदी। अपनी बहुओं को घर में दो गुटों में बढ़ते देखकर कावेरी को बुरा लगता है। साथ ही आशा और नेहा आशा के ही कमरे में कूलर चलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से उनका कूलर भी उनको ठंडक नहीं दे पाता। लेकिन बावजूद इसके वो उसी गर्मी में रहती हैं और अपनी जेठानी के कमरे में नहीं जाती। दरवाजे पर खड़ी कावेरी अपनी दोनों कूलर वाली बहुओं को सड़ी गर्मी में ऐसे सोता देखकर खुद से कहती है, आखिर कब तक ये मेरी बहुएं एक दूसरे से एसी कूलर पर लड़ेंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। कावेरी भी अपनी बहुओं के बीच आई इस दूरी के लिए परेशान थी। उसी रात जब सब खाना खाकर सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है और गर्मी के कारण सभी बहुएं हॉल में आकर कावेरी से कहती है, माँ जी बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी में तो छत पर भी नहीं सो सकते, फर्श इतना गर्म होगा कि सुबह तक आमलेट बन जाएगा। अब बहू क्या कर सकते हैं, जनरेटर भी सिर्फ एक ही चीज चला सकता है जैसे कूलर या पंखा। अच्छा माँ जी जनरेटर से कूलर चल जाएगा। हाँ बहू, लेकिन क्या फायदा, एक ही चलेगा, उसमें भी सबको आराम कहाँ मिलेगा। मिलेगा माँ जी, सबको आराम मिलेगा। आशा दीदी चलो। टॉर्च की लाइट के सहारे आशा और नेहा हॉल में कुछ बिस्तर बिछा देती है और एक कूलर चला देती है, जिसके बाद आशा बोलती है, माँ जी हम सब यहीं सो जाएंगी, क्यों निशा भाभी, गर्मी में सोने से अच्छा है कि हम कूलर की हवा में सो जाएं। मुझे नहीं सोना यहाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इससे ज्यादा ठंडक तो वहीं है। मैं भी। देख लो बहुओ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब आए, और मेरे बेटे भी नहीं है घर पर, काम के सिलसिले में वो चारों शहर से बाहर है, तो हम पांच तो यहाँ आराम से सो ही जाएंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। कावेरी की बात को नजरअंदाज करके निशा और निधि अपने कमरे में चली जाती हैं और बाकी के तीनों सदस्य बाहर हॉल में कूलर की हवा में सो जाते हैं। लेकिन काफी देर तक के इंतजार के बाद जब लाइट नहीं आती तो निशा और निधि अपने आप बाहर आकर सो जाती हैं। अगली सुबह अपनी दोनों एसी वाली बहुओं को भी कूलर की हवा में सोती देखकर कावेरी उठकर कहती है, उठ जाओ बहुओं, सुबह हो गई है और लाइट भी आ चुकी है। चारों बहुएं उठ जाती है तो निशा अंगड़ाई लेती हुई कहती है, माँ जी लाइट रात को ही आ गई थी, मुझे पता चल गया था, लेकिन कूलर की हवा में इतना सुकून मिल रहा था सोकर, इसलिए मैं और निधि उठकर नहीं गए। हाँ इसलिए आशा और नेहा दीदी हमें माफ कर दो, क्यों ना हम आपस की ये एसी कूलर की लड़ाई बंद करके ऐसा करें कि रात को हम सब कूलर लगा के सोए और दिन में आप दोनों हमारे साथ एसी की ठंडक में हमारे कमरे में, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा होती है, कूलर ठंडक नहीं दे पाता। हाँ भाभी ठीक है, हमें भी अपने घर को यूँ जंग का मैदान बनाना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो है कि हम आपस में प्यार से रहें और एसी और कूलर दोनों के मजे लें। वाह मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, समय के साथ इन चारों को अपने आप अकला गई। सही है कुछ बातों को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वक्त ही इंसान को सब कुछ समझा सकता है। वक्त ने ही इन चारों को एसी कूलर की लड़ाई को छोड़कर प्यार से रहना सिखा दिया। एक रेस्टोरेंट में नवीन और जिया नाम के दो शख्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अर्जुन नाम का लड़का उन दोनों के पास आता है और जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जिया प्यार कोई खेल नहीं कि जब दिल किया खेल लिया और चले गए, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा,
तुम? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, सो प्लीज तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये लड़का कौन है? ये पता नहीं, अब देखो ना मेरे कितने ही आशिक हैं, जो मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूमते हैं। अब मैं हर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी कर लूँगी। इतना बोलकर वो नवीन का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से वो जिया को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाए। कुछ ही देर के बाद अर्जुन के पास एक कॉल आता है, तो उसे पता चलता है कि उसने जिस कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया था वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया है। वो एक खुशखबरी देने के लिए जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया बार बार उसका फोन काट देती है। कुछ देर के बाद वो उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। इतना सब होने के कुछ समय बाद ही अर्जुन अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है और जिया की शादी उसके पिता किशोर की मर्जी से नवीन के साथ हो जाती है। जिया शादी के बाद एक अच्छी बीवी और बहू बनकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। पर कुछ ही दिनों बाद नवीन जिस कंपनी में काम करता था वो लॉस में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी कोई और कंपनी के हाथों बिक जाती है और दूसरी कंपनी का मैनेजर पुराने स्टाफ में से कुछ लोगों को निकाल देता है, जिनमें से एक नवीन भी होता है। क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अब कैसे घर चलेगा, अब मैं तुम्हारी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? पर बात क्या है, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से वहाँ का ओनर अब कोई और है एंड नए मैनेजर ने हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनमें से मैं भी एक हूँ। कोई और रास्ता है क्या? पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल मैं दूसरी जॉब देखने जा रहा हूँ कल। वैसे आपकी कंपनी का नया मैनेजर कौन है अब? वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मैं कुछ ही दिनों में कोई दूसरी जॉब देख लूँगा। नवीन इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। शाम को जब वो वापस घर लौट रहा होता है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोककर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अरे तुम? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं अर्जुन, उस दिन मिले थे ना रेस्टोरेंट में, जिया ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। अरे मैं जिया का दोस्त, वो उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उस दिन जिया को मनाने आया था लेकिन वो मानी नहीं। चलो छोड़िए, वैसे आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ बस सामने वाली बिल्डिंग में ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, यहीं पास में मेरा ऑफिस है तो इसलिए। एक्चुअली वो हमारी कंपनी ने अभी अभी एक छोटी कंपनी को खरीदा है जो बहुत ही लॉस में जा रही थी तो इसलिए। अच्छा तो आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नहीं नहीं, एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर हूँ मैं उस कंपनी का। दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जिससे नवीन को पता चलता है कि अर्जुन ही उसकी कंपनी का मैनेजर है जिसने उसे जॉब से निकाल दिया है। ये जानते ही वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सारी बात जाकर जिया को बताता है। अर्जुन के बारे में सुनते ही जिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन उनके घर आता है, साथ ही उन दोनों से कहता है, यार नवीन मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही नवीन हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम कल से फिर से ज्वाइन कर सकते हो। पर इन्हें तो निकाल दिया है तो अभी कैसे जा सकते हैं? जिया तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और अगर नवीन जी आप कल से ऑफिस नहीं आए तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अर्जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और नवीन उसकी बातों को मना नहीं कर पाता और अर्जुन के ही अंडर काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन जिया को फोन करता है और उससे बोलता है, तुमने इसलिए मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत गरीब था और कोई काम नहीं करता था। अब देखो आज वही इंसान अमीर है और जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था आज वो मेरे हिसाब से चल रहा है। अर्जुन नवीन कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? उन्हें घर आने दो। अरे मैंने तो बोला है घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर वो खुद ही नहीं जा रहा। तुमसे प्यार जो करता है पर मुझसे तो कम ही। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना नवीन को सब बता दूं कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। सोच रहा हूँ नवीन को तुमसे दूर कर दूं।
जैसे तुमने मुझे किया था खुद से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया उससे बोलती रह जाती है और वो फोन काट देता है। कुछ ही देर के बाद नवीन के घर आते ही वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर नवीन उसे खुद से गले लगाते हुए कहता है, रिलैक्स जिया, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए नवीन, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पास ही तो हूँ। इतना बोलकर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन जिया को एक बार फिर से धमकी वाला मैसेज भेजता है, जिससे वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर नवीन और अर्जुन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण वो अब हर रोज रात को नवीन के साथ उनके घर खाने के लिए आता। उसको अपने घर में देखकर जिया का डर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और वो एक दिन अकेले बैठकर टीवी देखते हुए सोचती है, बहुत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं इस तरह अर्जुन से डर रही हूँ। मैं नवीन को खुद जाकर अर्जुन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैंने उस दिन झूठ कहा था कि मैं अर्जुन को नहीं जानती। मैं उसे हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर नवीन की जो मर्जी हो वो वैसा करे। ये सोचकर वो अर्जुन को फोन करके अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहाँ आते हैं और आते ही जिया उससे कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है और आज मैं खुद नवीन को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, मुझसे प्यार कर, मेरा दिल तोड़कर, मेरा विश्वास तोड़कर तुम किसी और के साथ चली गई थी और मुझे बोल रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ती तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ती। मेरे पापा के सर पर खून सवार था, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और तुम मेरी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हो और अपने बदले की आग को प्यार का नाम दे रहे हो। अर्जुन, प्यार कोई खेल या मजाक नहीं होता, समझे तुम? इतना बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है, पर नवीन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और सोचता है कि जिया उसे धोखा दे रही है। ऐसे में वो बिना सच्चाई सुने वहाँ से जाने लगता है, पर सच्चाई जानने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नवीन को जाकर सारा सच बता देता है। सारी सच्चाई जानकर नवीन भी उन दोनों को माफ कर देता है और इस अतीत के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो वहीं अर्जुन भी उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश होता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सच में उसकी शादी हो रही है। प्रतीक अपने ख्यालों में खोया हुआ होता ही है कि तभी उसके पास अवनी आती है और उसे छूते हुए बोलती है, कहाँ गुम हो, शादी करनी है या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वादा करके पीछे नहीं हटता और वैसे भी तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है, चलो। प्रतीक और अवनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अवनी प्रतीक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। अवनी प्रतीक के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाया करती। ऐसे ही एक शाम अवनी प्रतीक के पास आती है और उसे कहती है, सुनो मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना मगर। अवनी मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किस तरह उसने भी किसी से टूटकर प्यार किया था। वो सब किया था जो कि अवनी आज उसके लिए कर रही थी। प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया का इंतजार कर रहा होता है। रिया को आने में काफी देर हो चुकी थी तो प्रतीक को उसकी चिंता होने लगी थी। वो उसे फोन करता है और बोलता है, कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, वो रेडी होने में टाइम लगता है ना। ओके, जल्दी करो। थोड़ी देर के बाद रिया आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देखकर प्रतीक कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तुम्हारी तारीफ में, इसलिए बस यही कह दिया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए या यूं ही बैठे हुए हो जब से?
तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ, अब तुम आ गई हो तो कुछ खा भी लूंगा। वो दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद प्रतीक रिया से कहता है, सुनो मैं हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आई वांना मैरी यू। क्या? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी? ये तुम क्या कह रही हो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ओ हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो, और मुझे ना तुम जैसे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर रिया वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है। वो बस यूं ही शॉक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और कहता है, सर आपका बिल। हाँ, प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर रिया को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है, साथ ही सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता ही रहता है, पर रिया की उसे कोई खबर नहीं मिलती। इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई थी, पर उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं रिया की यादें जिंदा थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जाम तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचने वाला है। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुक जाती है और उस बाइक पर बैठा हुआ इंसान अपना हेलमेट उतारता है। असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है, जिसे देखकर प्रतीक के दिल में एक बार फिर कुछ कुछ होने लगता है। प्रतीक को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होता है, तो ऐसे में वो सोचता है, अगर ये लड़की मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैं इससे बात करके देखता हूं, अगर मान जाए तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। प्रतीक उस लड़की से बात करता है। एक्सक्यूज मी। जी। हेलो, मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ड्रॉप कर देंगी? ओके, बैठ जाइए। इसके बाद अमीषा प्रतीक को उसकी ऑफिस ड्रॉप कर देती है और वो टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अमीषा वहां से जाने लगती है, तभी प्रतीक उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, मिस सुनिए जरा। अमीषा, और कहीं भी ड्रॉप करना है क्या? नहीं नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर अमीषा वहां से चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। प्रतीक के मन में अमीषा का चेहरा घूमता ही रहता है और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी ना वो, कितनी सुंदर थी, पता नहीं किस्मत में उससे दोबारा मिलना होगा भी या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर से वो जाम में फंस जाता है और बिल्कुल पहले की तरह ही फंसा होता है, और पहले की तरह ही एक बार फिर अमीषा वहाँ आ जाती है। प्रतीक अमीषा को देख लेता है और उससे कहता है, हेलो, थैंक यू सो मच, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो आप बार बार हमें मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना। तो कहीं और? आप फ्री हैं आज तो मेरे साथ चल लीजिए, मैं अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। कहाँ जाना चाहते हैं आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच रही हूँ कि चल लेती हूँ। प्रतीक अमीषा की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। प्रतीक को अमीषा से एक बार फिर प्यार होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अमीषा उससे मिलने आ जाती है और फिर वो उससे कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? इसके बाद प्रतीक अमीषा को अपने दिल की बात बता देता है। उसकी बातों को सुनकर अमीषा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर खड़ी होकर प्रतीक से बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुमने? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमीषा की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे रिया की याद आती है कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। और फिर अमीषा उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अमीषा वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ अकेला और तन्हा खड़ा रह जाता है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसे एक बार फिर से प्रतीक को जीने की उम्मीद मिलती है। लेकिन इस बार प्रतीक अपने दिल का हाल बताने से बहुत डरता है, मगर वो लड़की प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती है जैसा प्रतीक उन दोनों से किया करता था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी होती है। प्रतीक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अवनी अचानक घर वापस आ जाती है और प्रतीक से कहती है, खाना खाया या नहीं? साथ में खा लेंगे। इस तरह आखिरकार प्रतीक की जिंदगी में उसका सच्चा प्यार अवनी के रूप में आ ही जाता है और वो अवनी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।